Hello students and all the viewers. I am Mohammad Arafat Khan. Continue करते हैं अपने chapter motion in one dimension को. इससे पहले वाली video में हम लोगों ने linear momentum को और Newton's law of motion के साथ उसके relationship को और साथ साथ impulse को discuss किया. फिर मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो बेसिकली हम बनाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, या इसको यूं कह लें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. डिटेल के अंदर डेरिवेशन करेंगे, स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन पर जरूर हिट करिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियो से रिलेटेड मिल सकें, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. पहले हम समझते हैं इसकी डायग्राम. अगर मैं चाहूँ आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट से समझा सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेटमेंट की तरफ अभी डायरेक्टली नहीं जा रहा. हम स्टेटमेंट को समझेंगे टॉपिक समझने के बाद, ठीक है. अच्छा, स्टेटमेंट में आपको वैसे ही बता देता हूं, हो सकता है आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ रखा हो. स्टेटमेंट के मुताबिक द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट या ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. ये स्टेटमेंट होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. मैं चाहूं तो लिख भी दूं, लेकिन मैं लिखने का भी मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इस पूरे टॉपिक को समझ नहीं लें. जब इस टॉपिक को हम समझ लेंगे तो आप इस काबिल खुद ब खुद हो जाएंगे कि आप इसकी स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में लिख सकें और अच्छे से समझ सकें, ठीक है. फिलहाल एक काम भी करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम के साथ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना दी टाइम ज़ाया किए बगैर. ओके, अब टॉपिक में सॉरी डायग्राम में अगर आप नोट करें, हमारे पास यहाँ पर दो बॉडीज हैं. पहली बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, यानी कि दो बॉल्स हैं, ठीक है. अच्छा, दोनों जो है मूव करके जा रही है राइटवर्ड, मतलब ए वाली बॉडी भी मूव कर रही है राइटवर्ड और बी वाली बॉडी भी मूव कर रही है राइटवर्ड. अच्छा, अगर ये बॉडीज हैं तो इनके मासेस भी होंगे. लेट सपोज मैं कह देता हूं इस वाली बॉडी का जो मास होगा दैट विल बी एम वन और बॉडी बी का जो मास होगा दैट विल बी एम टू, है ना. अगर आपने नोट किया हो तो मैंने स्टेटमेंट के अंदर लिखा था, यानी पढ़ के दिखाया आपको क्या, द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है बॉडीज का कोलाइड करना. अगर कोलिजन है तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, अगर कोलिजन नहीं है तो इसका कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा. तो बॉडीज का कोलाइड करना लाजमी है किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर. अब अगर हम चाहते हैं कि दो बॉडीज कोलाइड करें, खास तौर पे ऐसी दो बॉडीज जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करके जा रही है. ये कुछ ऐसा है कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपके सामने भी एक कार मौजूद है. आप अगर चाहें कि मैं अपनी कार से सामने वाली कार को हिट करूं और अगर दोनों मूव करते हुए जा रही है, वैसे करनी तो नहीं चाहिए, गलत बात है हिट करना किसी को, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप चाह रहे हैं, लेकिन कभी चाहिएगा मत, गलत बात होती है. ओके, सामने एक कार जा रही है, आपकी कार है, आप चाहते हैं कि दोनों मूव कर रही हैं, आपकी भी उसकी गाड़ी भी, आप चाहते हैं कि मैं अपनी कार से उसकी कार को हिट करूं, तो आपको पता है आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड सामने वाली कार की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी आप जाके उसको हिट कर सकते हैं, क्योंकि आप पीछे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना. तो अगर उसकी स्पीड ज्यादा हुई, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, तो आप जिंदगी भर उसको हिट नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी कोलाइड नहीं कर सकते. इसी तरीके से अगर मैं चाहूं कि ये बॉडी ए जो है बॉडी बी को हिट करे, तो इस वाले की वेलोसिटी ज्यादा होना लाजमी है. और हमने इसको देखो पता है कैसे बनाया, ये देखें, ये इसकी वेलोसिटी का एरो है, ये वाला इसकी वेलोसिटी का एरो है. एक एरो मैंने ग्रेटर बनाया और एक एरो मैंने कम बनाया. इसका एक रीजन है, वो ये कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा और इसकी वेलोसिटी कम. अब इनकी वेलोसिटीज को मेंशन करते हैं. इसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं u1 और इसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं u2. अरे सर, आप ये u कहां से लेकर आ गए, हमने तो वेलोसिटीज को v से डिस्कस किया हुआ है. हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, हम वेलोसिटीज को v से ही शो करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम इनको u से भी शो करते हैं. अच्छा, u से शो करने का रीजन क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है. मतलब सिंबल्स में कभी भी उलझा मत किया करो, कभी भी कंफ्यूज मत हुआ करो, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी आप सिंबल्स में नहीं घबराएंगे, कभी भी नहीं घबराएंगे. तो अब अगर मैंने आपको कह दिया कि बॉडी ए की वेलोसिटी जो है वो यू वन है और बॉडी बी की वेलोसिटी यू टू है, तो याद कर लो, कोई मसला है ही नहीं, समझ रहे मेरी बात. आगे चलते हैं. ओके जनाब, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम के बाद जाके ये बॉडी बी को हिट करेगी. और जब हिट करेगी तो ये देखें, ये रही डायग्राम, बॉडी ए ने जाकर हिट किया बॉडी बी को,
हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई करी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा है ना। हमने एक लॉ पढ़ा है एक लेक्चर पहले, मतलब लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा लीनियर मोमेंटम, उससे पहले वाले में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ, जिसमें हमने पढ़ा था हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर बॉडी किसी दूसरी बॉडी को हिट करती है तो रिप्लाई के अंदर जो दूसरी बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करती है, ऐसा है ना। तो ये देखें, सबसे पहले फोर्स अप्लाई करी ए ने जाकर बी पर, पीछे से आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करी, ये रही। तो मैं इसको कह दूंगा ये है एफ एफ, और मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं थोड़ा ताकि आपको नजर आए, एफ और ए एरो बी। एफ ए एरो बी का मतलब फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बॉडी ऑन टू द बी बॉडी, और ये किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन बॉडी बी ने भी रिप्लाई के अंदर फोर्स अप्लाई की होगी, और वो कहां पर होगी, बैकवर्ड, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर एक्शन फॉरवर्ड है तो रिएक्शन मस्ट बी इन रिवर्स डायरेक्शन, पीछे की तरफ होगा। तो हम कह देंगे कि रिप्लाई के अंदर बॉडी बी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और वो किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करेगी। तो मैं यहां पर लिख दूंगा दिस इज ऑल्सो अ फोर्स एंड विच इज एग्जर्टेड बाय बी ऑन टू बॉडी ए। तो एफ ए एरो बी एंड एफ बी एरो ए, दिस इज एक्शन, दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। सिंपल सी बात है, एक्शन बाय बॉडी ए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिएक्शन बाय बॉडी बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये तो हो गई बात ड्यूरिंग कोलिजन की। ये कब है, जब ये टकराए नहीं थे, और जब टकराए नहीं होंगे तो मैं कह दूंगा ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, बिफोर कोलिजन वाला पार्ट है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये वाला पार्ट कौन सा है, बिफोर कोलिजन का। और ये टकरा गए तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है ड्यूरिंग कोलिजन का, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है ना। और इसके बाद ऐसा तो नहीं होगा कि इसने इसको हिट कर दिया, अब ये चिपक चिपक के चलने साथ साथ स्टक हो गए आपस में, नहीं ऐसा नहीं होगा। हिट कर दिया वो चली जाएगी आगे और ये भी मूव करती रहेगी, पर हिट करने की देर है, उसके बाद इनके कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मुस्तकिल भर चिपक गए आपस में, स्टक हो गए, नो ऐसा नहीं है। तो ये वाली डायग्राम आ गई टकराने के बाद वाली, यानी कि आफ्टर कोलिजन। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, आफ्टर कोलिजन। अक्सर स्टूडेंट्स जब मैं लाइव लेक्चर से हट के जब मैं फिजिकल क्लासेस में लेक्चर देता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स के जहनों में ये बात आती है कि सर जब ये बॉडी ए बॉडी बी को जाके हिट करेगी तो ये बॉडी ए जो है हिट करने के बाद ये बैकवर्ड नहीं चली जाएगी, मतलब ये अभी भी इधर क्यों जा रही है, ये हिट करने के बाद ये वापस यूं क्यों नहीं जा रही। बहुत आसान सी बात है, ऐसा सिर्फ जब हो सकता है जब ये बॉडी हिट करे किसी मतलब हैवी ऑब्जेक्ट को, इतना हैवी ऑब्जेक्ट जिसको वो मूव ना कर सके, जैसे दीवार, वॉल। अगर ये बॉडी ए आके हिट करती दीवार को, वॉल को, तो जाहिर सी बात है ये बैकवर्ड जाती, ये बाउंस बैक हो जाती। लेकिन यहां पर बाउंस बैक कंडीशन क्यों नहीं है, क्योंकि आगे वाली बॉडी मूव करती हुई जा रही है, ये मूव कर रही है। तो यहां पर जो कंडीशन आएगी ना वो कंडीशन क्या होगी, ये बात गौर से सुन लीजिएगा। इन दोनों बॉडीज के मासेस बिल्कुल सेम है, जितना मास बॉडी ए का उतना मास बॉडी बी का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, जब मासेस सेम होते हैं और जब बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। कैसे, देखें बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी और इसकी वेलोसिटी कम थी। आफ्टर कोलिजन नोट करें, जो आगे जा रही थी उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और पीछे जो आ रही थी उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो याद रखिएगा ये बॉडीज कोलाइड करने के बाद स्टक भी नहीं होती और ये पीछे वाली बॉडी हिट करने के बाद बैकवर्ड नहीं जाती बल्कि सेम डायरेक्शन में जाती है। सिर्फ एक फर्क आ जाता है, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ए की वेलोसिटी बी के पास चली जाएगी और बी की वेलोसिटी ए के पास आ जाएगी। अब एक काम ही करते हैं, इन वेलोसिटीज को भी नाम दे देते हैं, वी वन एंड वी टू, वी वन एंड वी टू, आ गए वी सिंबल्स। तो अब हमने फर्क रखने के लिए कि बिफोर कोलिजन वाली जो वेलोसिटीज हैं उनको हमने शो कर दिया यू यू से, और आफ्टर कोलिजन वाली जो वेलोसिटीज हैं उनको हमने शो कर दिया वी वी से, सिंपल। तो यू वन एंड यू टू आर द वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन एंड वी वन एंड वी टू आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोई बात क्लियर नहीं होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इस डायग्राम के अंदर। क्या हुआ, पहले ए की वेलोसिटी ज्यादा थी बी की कम थी, उसने कोलाइड किया, जब कोलाइड किया एक्शन रिएक्शन हुआ, एक्शन रिएक्शन होने के बाद पीछे वाले की वेलोसिटी यानी कि ए की वेलोसिटी कम हो गई और बी की वेलोसिटी
ज्यादा हो गई। सिंपल सी बात है, इनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो गई। यहां तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की, क्योंकि यहां पर वर्ड आ रहा है लीनियर मोमेंटम का। आपको पता है यहां पर बिफोर कोलिजन दो बॉडीज हैं और आफ्टर कोलिजन भी वही दो बॉडीज हैं, वही दो बॉडीज हैं। इसका मतलब अगर यहां पर चार कंडीशंस हैं, 1, 2, 3, 4, चार बॉडीज नहीं है, बॉडीज दो ही है, मैं बात कर रहा हूं कंडीशंस की, तो मैं कहूंगा यहां पर टोटल 4 मोमेंटम्स होंगे। कैसे? एक मोमेंटम ए का बिफोर कोलिजन, एक मोमेंटम बी का बिफोर कोलिजन, यानी के टकराने से पहले पहले वाले मोमेंटम जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे? बिफोर कोलिजन वाले मोमेंटम, यानी के बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन। और आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोमेंटम मिल जाएगा। इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 u1। किसका? ए का। इसका मोमेंटम क्या होगा? m2 u2। इस वाले का मोमेंटम क्या होगा? मास तो सेम है ना, m1 और m2। इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 v1। और इसका क्या होगा? m2 v2। एक काम ही करता हूं मैं, आपके सामने लिख देता हूं यहां पर। हाँ भाई, मोमेंटम इज m1, ब्लू पेन से लिखता हूं, दूसरे मार्कर से लिखता हूं। ओके, m1 u1 ये आ गया इसका मोमेंटम, m2 u2 ये आ गया इसका मोमेंटम, ओके, m1 v1 ये आ गया इसका मोमेंटम, और m2 v2 ये आ गया इसका मोमेंटम। अब आपको, आपके सामने चार मोमेंटम नजर आ रहे हैं। एक काम ही करते हैं, हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं काम ही करता हूं, सारे मोमेंटम को एक साथ लिख देता हूं यहां पर। कैसे? मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन यहां लिख देता हूं इसको, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन। हाँ भाई, जब मैं बिफोर कोलिजन की बात करूंगा तो आपने ये वाली डायग्राम चेक करनी है, ये वाला पार्ट चेक करना है। और जाहिर सी बात है, जब ए की बात कर रहा हूं तो ये रहा ए, तो इसका मोमेंटम क्या लिखा हुआ है? m1 u1, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? m1 u1। अब हम बात करते हैं बॉडी बी की, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी अगेन बिफोर कोलिजन। सो मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन, अभी हम बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन। देखें, बिफोर कोलिजन ये वाली डायग्राम और बॉडी बी ये रही, तो इसका मोमेंटम क्या लिखा हुआ है? m2 u2, तो यहां पर आ जाएगा m2 u2। बिफोर कोलिजन आपने बात कर ली, अब हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन वाले की। फिर पहले मैं स्टार्ट करूंगा ए से, फिर बात करेंगे बी की। ओके, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ये याद रखिएगा पॉइंट्स, क्योंकि डेरिवेशन में ये पॉइंट्स याद मतलब काम आएंगे। मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन। ओके, आफ्टर कोलिजन, अब आपने इसका मतलब ये वाला पार्ट देखना है। और ए की बात कर रहा हूं तो ए का मोमेंटम ये लिखा हुआ m1 v1। अब हम बॉडी बी की बात कर लेते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, कब? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। हाँ भाई, आफ्टर कोलिजन ये वाली डायग्राम और इसमें बॉडी बी की बात कर रहे हैं, तो m2 v2 ये आ गए सारे मोमेंटम। ठीक है, ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैं खामी करता हूं, जो मोमेंटम के फॉर्मूला लिखे हुए ना उनको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला ए का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ये वाला बी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ये वाला ए का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, और ये वाला बी का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। ये मैंने हाईलाइट कर दिए क्योंकि ये वाले फॉर्मूला हम आगे यूज करने जा रहे हैं डेरिवेशन के अंदर। ओके जनाब, अब हम करते हैं अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट, अब हम करने जा रहे हैं अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट। ओके, डेरिवेशन की हेडिंग डाल देता हूं, डेरिवेशन। ठीक है, अच्छा, डेरिवेशन में हमें करना क्या है मैं आपको पहले से बता दूं, डेरिवेशन में हमें करना क्या है मैं आपको पहले से बता देता हूं। देखिए, बहुत आसान सी बात है, ये वाली डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जो अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे ना, वो इस वाली डायग्राम से करेंगे, इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। क्या याद है, कल मैंने आपको, कल मतलब इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया लीनियर मोमेंटम के बारे में, और उसमें एक पोर्शन था जिसको हमने कहा
मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैं आपको याद दिलाता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो आपने वीडियोज नहीं देखी, कोई किसी ने नया ज्वाइन किया तो पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या था, जब फोर्स अप्लाई होती है किसी बॉडी पर तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है, जिसको हमने क्या कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डाइस है, ये देखें ये डाइस है, ठीक है, ये बॉडी रखी हुई है, इसका फिलहाल मोमेंटम जीरो है। मैं काम ये करता हूं, इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, तो मैंने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो मैंने इस बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दिया। अच्छा, मैंने फोर्स अप्लाई करी इस पर तो मेरा मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जिस पर फोर्स अप्लाई की जाती है मोमेंटम उसका चेंज होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, जिस पर फोर्स अप्लाई होती है मोमेंटम उसका चेंज होता है। तो मैं फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम चेंज कर रहा हूं, तो फोर्स का काम क्या, बॉडीज के मोमेंटम को चेंज करना। यहां तक बात क्लियर है। अब आप देखें इस वाली डायग्राम में दो दो फोर्सेस हो रही हैं, दो दो फोर्सेस लग रही हैं, कैसे, एक फोर्स ए ने बी पर लगाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स बी ने लगाई बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब दो फोर्सेस आ गई, इसका मतलब दोनों बॉडीज के मोमेंटम चेंज हो गए होंगे। कैसे, ए वाली फोर्स की वजह से बी का मोमेंटम चेंज हुआ होगा, क्योंकि ए ने फोर्स अप्लाई करी बी पर, तो इस वाली फोर्स की वजह से बी का मोमेंटम चेंज हुआ होगा। और रिप्लाई के अंदर जब बी ने फोर्स अप्लाई करी ए पर तो बी वाले की फोर्स की वजह से ए का भी मोमेंटम चेंज हुआ होगा। समझ आ रही मेरी बात, तो यहां पर दोनों मोमेंटम चेंज हुए, ए बॉडी का भी चेंज हुआ और बॉडी बी का भी चेंज हुआ। एक्शन की वजह से बॉडी बी का चेंज हुआ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्शन की वजह से बॉडी बी का मोमेंटम चेंज हुआ और रिएक्शन की वजह से बॉडी ए का मोमेंटम चेंज हुआ। अब एक काम ही करते हैं, इन दोनों मोमेंटम को चेंज होने वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। कैसे, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, इसको हटा देता हूं, ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। पहले स्टार्ट करते हैं एक्शन की वजह से जो फोर्स मोमेंटम चेंज हुआ, एक्शन किस पर हुआ, बी पर हुआ, तो हम चेक कर रहे हैं कि जो मोमेंटम चेंज हुआ किसका, बॉडी बी का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज गिवन बाय। सबसे पहले तो मैं फोर्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मोमेंटम चेंज हुआ, ये बॉडी बी का मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है, और ये कौन सी वाली फोर्स होनी चाहिए, क्या ये एक्शन की वजह से चेंज हुआ या रिएक्शन की वजह से, तो आपका जवाब होना चाहिए सर एक्शन की वजह से। ये कौन सी वाली फोर्स है, एक्शन वाली फोर्स है, और एक्शन वाली फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए एरो बी, इसका मतलब क्या, एक्शन किया ए ने बॉडी बी के ऊपर, सिंपल, तो इस वाली फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ बॉडी बी का। अब एक काम ही करते हैं, डेल्टा पी हमें पता है, डेल्टा पी का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लो ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो पुट कर दें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलें। अच्छा, आगे हमें करना क्या है, अब हमें मोमेंटम का फॉर्मूला पुट करना है, ये कौन सा मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम। हम बात किसकी कर रहे हैं, देखो यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, हम बॉडी बी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ फिलहाल बॉडी बी की वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है, ओके। फाइनल मोमेंटम किसका, बॉडी बी का, चेक करो डायग्राम में, ये तो था इनिशियल, इनिशियल का मतलब बिफोर कोलिजन और फाइनल का मतलब आफ्टर कोलिजन, तो बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम ये लिखा हुआ m2v2, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि फाइनल मोमेंटम बॉडी बी का क्या है, m2v2, और बॉडी बी का ही इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये लिखा हुआ m2 एंड u2, ये फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने हैं। पुट करें वैल्यूज, चलो भाई पुट कर देते हैं वैल्यूज, सो एफ ए एरो बी इक्वल्स पीएफ की जगह क्या आ जाएगा, m2 v2, और माइनस के बाद क्या आ जाएगा, m2 और u2, और डिवाइड कर देते हैं इसको हम किससे, टाइम के साथ, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये नोट कर लें जल्दी से।
क्योंकि मैं इसको इसी वाले पार्ट को रब करूंगा और यहीं पर ही हम सेकंड डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल हमने किसकी बात करी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी की बात करी। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए की, क्योंकि मोमेंटम दोनों का चेंज हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया बॉडी बी के चेंज की, अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी ए वाले के चेंज की। जल्दी से नोट कर लो, या आप आपके पास एक ऑप्शन होता है यूट्यूब पे तो बहुत आसान है, आप वीडियो को स्टॉप करके उसको नोट भी कर सकते हैं। तो मैं काम ही कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं। ये इक्वेशन याद रखिएगा, इसको हम यूज करने जा रहे हैं आगे। क्या? M2V2 - M2U2। ठीक है, मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं और उसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट वाली किसके लिए कर रहे हैं? बॉडी ए के लिए कर रहे हैं, बॉडी ए। तो सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज गिवन बाय, और बॉडी ए का मोमेंटम जो चेंज हुआ वो कौन सी वाली फोर्स की वजह से हुआ? हाँ भाई, क्या कहोगे आप लोग, एक्शन की वजह से चेंज हुआ या रिएक्शन की वजह से चेंज हुआ? तो अगर आप लोगों का आंसर रिएक्शन की वजह से है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ने बॉडी ए का मोमेंटम चेंज किया। और रिएक्शन वाली फोर्स को आपने किससे शो किया भाई? बी एरो ओ ए से, बी एरो ए से शो किया हुआ है। तो इस वाली फोर्स ने बॉडी बी का मोमेंटम चेंज, सॉरी बॉडी ए का मोमेंटम चेंज कर दिया। आगे चलते हैं। एफ बी एरो ए इज इक्वल टू डेल्टा पी, का मतलब वही होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यूज पुट करें, इस बार ये फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों के दोनों किस बॉडी के हैं? इस बार बॉडी ए के लिए हैं। तो मुझे पता है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बॉडी ए का ये लिखा हुआ। फाइनल का मतलब आफ्टर कोलिजन और इनिशियल का मतलब बिफोर कोलिजन। तो एम वन वी वन और एम वन यू वन, पुट करें वैल्यूज। सो एफ रिएक्शन वाली फोर्स बराबर हो जाएगी एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन एंड डिवाइडेड बाय टाइम। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर टू। जल्दी से नोट कर लिएगा भाई, मैं इसको भी रब करूंगा क्योंकि हम डेरिवेशन यहीं पर ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बस कॉन्सेप्चुअली यूज कर रहे हैं वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक स्टेप को समझ के अप्लाई करने के बाद हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, रब कर देता हूं। वही वाली बात कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोग स्टॉप करके वीडियो को और ये नोट कर सकते हैं, तो हम अपना टाइम जाया नहीं करते। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर टू को और इससे पहले जो हमने इक्वेशन नंबर वन लिखी थी उस वाली इक्वेशन को अब हम यूज करेंगे। तो इन इक्वेशंस को ध्यान में रखना है आपने। ओके जनाब, नाउ द फाइनल डेरिवेशन, द फाइनल पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, एक्शन रिएक्शन किस टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो क्या लिखने जा रहे हैं हम यहां पर? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? हर एक्शन का, एक्शन कौन है? ए एरो बी, इक्वल बट ओपोजिट रिएक्शन होता है। और रिएक्शन कौन है? बी एरो ए, बी एरो ए। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। सिंपल सी बात है। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर वन वाले की, इक्वेशन नंबर वन वाले की और इक्वेशन नंबर टू वाले की। याद है इक्वेशन वन और टू हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है, तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए एरो बी की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ था इस वाले का। तो क्या इक्वेशन बनी थी अगर आपको याद हो तो? एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइडेड बाय टाइम, ये इक्वेशन नंबर टू थी। इक्वल माइनस साइन एज इट इज रहेगा, उसके बाद हम ब्रैकेट में वैल्यूज पुट करते हैं किसकी? बी एरो ए वाले की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ था बॉडी ए का। तो वैल्यूज क्या होंगी? एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन एंड डिवाइडेड बाय टाइम। आपने अगर नोट करके रखा होगा तो आपको इक्वेशन समझ आ गई होंगी। ये मैंने पुट करी इक्वेशन नंबर वन और ये मैंने इक्वेशन नंबर टू पुट कर दी। माइनस साइन आ गया फॉर्मूले का और कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। सबसे पहले काम ये करते हैं, माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, टी से टी कैंसिल।
सेम पोजिशंस पर हैं, सेम साइंस हैं, कैंसिल। क्या बचा ऊपर? m2 v2 minus m2 u2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, m1 v1 minus minus plus m1 and u1। यहां तक बात क्लियर है? अब एक काम ही करते हैं, हम यू यू वाली वैल्यूज को एक जगह पे करते हैं और वी वी वाली वैल्यूज को एक जगह पे करते हैं। लेट सपोज ये देखें, m1 v1 यहां पर नेगेटिव है, इसको शिफ्ट करके यहां पर ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि m2 u2 यहां पर माइनस का है और यहां पर आके प्लस का हो जाएगा। ऐसा है तो सबसे पहले इसको शिफ्ट करके वहां लेके जाते हैं, क्या बनेगा? m1 v1 plus m2 and v2 equals, यहां पर ऑलरेडी कौन है? m1 u1 और यहां पर माइनस का था, यहां पर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का m2 and u2। यहां तक बात क्लियर है? मैंने आपको डायग्राम में एक बात बताई थी, वो ये कि यू यू वाले फैक्टर्स का मतलब है इनिशियल और वी वी वाले फैक्टर्स का मतलब है फाइनल। अब आप नोट करें, आपने इनिशियल वाले मोमेंटम को एक जगह पे कर दिया और फाइनल वाले मोमेंटम को एक जगह पे कर दिया। तो एक काम ये करते हैं, इसको अरेंज ऐसे करते हैं, फाइनल वाले बाद में लिखते हैं, इनिशियल वाले पहले लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड पर हम ले आते हैं किसको? इनिशियल को। m1 u1 plus m2 u2 is equal to, इसके बाद लिख देते हैं ये वाला m1 v1 plus m2 और v2। भाई ये बन गई हमारी इक्वेशन, ये बन गई हमारी इक्वेशन जो आज हमें डिराइव करनी थी। मुझे बताओ कोई मुश्किल बात है इसके अंदर? कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को यूज किया। इसको कैसे रीड करोगे? देखो इसको रीड करने का तरीका देखते हैं। ये वाला ए का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ये वाला बी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। कैसे पहचानोगे? यू यू से। इसका मतलब अगर मैं दोनों मोमेंटम्स को प्लस कर लूं तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा टोटल मोमेंटम का? आपको पता है मैं लेफ्ट साइड को, इक्वेशन की लेफ्ट साइड को कैसे रीड करूंगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस वाले पार्ट को कैसे लिखूंगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और राइट वाले पार्ट को देखें, वी वी वाले पार्ट आ रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन की, मतलब फाइनल। तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा? टोटल, क्योंकि आप दोनों मोमेंटम को प्लस कर रहे हैं, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ओके चले भाई, अब फाइनली इसको हम रीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। उससे पहले एक बात ध्यान में रखो, स्टेटमेंट के अंदर एक टर्म आएगी, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, सुन लो इस बात को, मैं यहां पर बेसिकली जो है वो सब टाइटल भी शो कर दूंगा, उसमें लिखा हुआ होगा, उसमें से नोट कर लेना। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करती हो, एक ऐसा सिस्टम ऑफ बॉडीज जिस पर एक्सटर्नल कोई भी फोर्सेस एक्ट ना करें, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेट सपोज अगर ये दो बॉडीज हैं किसी सिस्टम में मूव कर रही हैं, तो इन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ना एयर रेजिस्टेंस होगी, ना फ्रिक्शन होगी, ना कोई और फोर्स होगी, मतलब एक्सटर्नल सारी फोर्सेस जीरो हो जाएंगी, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स होगी, वो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो एक्शन रिएक्शन के अलावा कोई भी फोर्स एक्ट ना करे, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। इक्वेशन के मुताबिक इसको हम पता है कैसे रीड करेंगे? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा हमेशा बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। और स्टेटमेंट के फॉर्म में रीड करते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। सेम का मतलब क्या? इक्वल। सेम का मतलब क्या? कॉन्स्टेंट। सेम का मतलब क्या? कंजर्व्ड। कंजर्व्ड यानी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक काम ये करता हूं, मैं फाइनली यहां पर आपके सामने स्टेटमेंट लिख देता हूं, इसको रब कर देता हूं और यहां पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है? ओके, स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, क्या लिखेंगे? टोटल मोमेंटम
टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कब? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स या ऑलवेज रिमेन्स, हमेशा ऐसे ही होता है, ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. यह आ गई स्टेटमेंट इसकी. किसकी स्टेटमेंट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस का जीरो हो जाना. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि सच अ सिस्टम इन विच no external forces act. सिंपल, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम. समझ आई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आप इस चीज को वैल्यूज की फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं. वैल्यूज की फॉर्म में अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि आपने इन दोनों के कोई भी मासेस को इमेजिन कर लेना है. मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ इस बात को सुन लो ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए. लेट सपोज इस बॉडी का मास है 5 किलोग्राम्स. ठीक है, इस बॉडी का मास भी कितना होगा? 5 किलोग्राम्स. तो भाई इसका भी कितना हो गया? 5. इसका भी कितना हो गया? 5. वेलोसिटीज को इमेजिन कर लेते हैं पहले. मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है. ठीक है, इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड. कम ज़्यादा है ना, तो इसकी ज़्यादा, इस वाले की कम. बाद में एक्सचेंज हो गई, याद है मैंने आपको बताया था एक्सचेंज हो जाती है. बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, 10 वाली इसके पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, और 5 वाली इसके पास चली गई 5 मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम कैलकुलेट करें. हाँ भाई, अगर इस वाले का मोमेंटम चेक किया जाए तो m1u1 5 × 10 = 50 newton second, ये इसका मोमेंटम आ गया. इस वाले का कैलकुलेट करें, 5 × 5 = 25 newton second. तो इस वाले का इनिशियल कितना आया? 25. और इस वाले का इनिशियल कितना आ गया? 50. अगर मैं टोटल इनिशियल फाइंड करूं, तो 50 + 25 कितना बना? 75 newton second. यानी कि इस सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 75. फाइनल वाले को चेक करते हैं. हाँ भाई, इस वाले का क्या बन रहा है? 5 × 5 = 25 newton second. इस वाले का कितना बन रहा है? 5 × 10 = 50 newton second. हाँ भाई, 50 + 25, क्योंकि टोटल निकालना है ना, तो 50 + 25 कितना बन गया? 75 newton second. Hence proved. The total initial momentum is always equal to the total final momentum. This is called law of conservation of momentum या law of conservation of linear momentum. उम्मीद करता हूं कि आपको law of conservation of momentum बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. यहां पर आके मोमेंटम का टॉपिक बेसिकली एंड होता है, मोमेंटम और उसके साथ इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है जनाब, वीडियो अगर समझ आई, आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिएगा. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दिएगा वीडियो को अपने चाहने वालों को, जो आपके आस पास स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद अरफात खान को इजाज़त दीजिए. थैंक यू.